अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। पी फॉर प्रोवाइडर में आप सबको वेलकम करता हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डाटा एंट्री की जॉब जो है कैसे करते हैं। सबसे पहले तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि डाटा एंट्री की जॉब है क्या, क्योंकि बहुत से लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि इसमें टाइपिंग करनी पड़ती है, या हमने कोई एक्सेल शीट पर काम करना था, या वर्ड फाइल पर जाकर कोई काम करना था, तो इसे जो है वो डाटा एंट्री का काम कहा जाता है। ये नहीं काम होता, ये आपको बताऊंगा आज की वीडियो में। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है वो कहाँ से अपना डाटा एंट्री का काम ले सकते हैं, कहाँ आपको क्लाइंट्स मिलेंगे। बहुत से लोग आपको ये बोलेंगे कि जाएँ फाइवर पर गिग बना लें और वहाँ जो है आपको डाटा एंट्री का काम मिल जाएगा। वहाँ आपको बहुत ज़्यादा टाइम भी वेस्ट करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, गिग्स बनानी पड़ती है, उनको रैंक करवाना पड़ता है, फिर जाकर आपको फाइवर पर काम मिलता है। तो आज की वीडियो में मैं कुछ आपको ऐसा वर्क बताऊँगा, कुछ ऐसी साइट्स बताऊँगा जहाँ पर आपको जल्दी जो है वो क्लाइंट्स मिल जाएंगे, और जहाँ आपको जॉब्स भी जल्दी मिल जाएंगे, और आपकी अर्निंग भी जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। और आपको साथ ही साथ ये बताऊँगा कौन से इसमें रियल वेज हैं और कौन से फेक वेज हैं, यानी कहाँ से आपको काम करने के पैसे मिलेंगे, कहाँ से नहीं मिलेंगे, और कौन से ऐसे लोग हैं जो आपके साथ जो है फ्रॉड करेंगे और आपसे जो है वो सिर्फ अपना काम निकलवाएंगे, आपको पैसे नहीं देंगे। और साथ साथ ये भी बताऊंगा कि आपको जो लोग कहते हैं कि पहले हमें कुछ ना कुछ रकम दें, फिर आप आपको काम देंगे, पहले हमें कुछ डिपॉजिट करवाएं हमारे पास, कोई 10,000 दें, कोई 5,000 दें, या 1,000 रुपया दें, फिर जो है हम आपको डाटा एंट्री का काम देंगे, तो वो कौन से लोग हैं और कैसे उनसे बचना, ये भी सारा आपको बताऊंगा। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसको जो है वो आप कैरियर लेकर चल सकते हैं, कि इसको अपना फ्यूचर बना सकते हैं डाटा एंट्री को या नहीं बना सकते, इसका क्या आपको जाकर फ्यूचर में फायदा होगा या नहीं होगा, और कितनी देर तक जो है वो डाटा एंट्री का काम जो है वो चलता रहेगा, ये सब आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। और फिफ्थ नंबर पर मैं आपको बताऊंगा कि इससे कितनी मैक्सिमम अर्निंग जो आप मंथली निकाल सकते हो, कितनी इनकम इससे निकल आएगी जो आपको जो है वो फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, क्या ये काफ़ी होगी, या सिर्फ और सिर्फ आप डाटा एंट्री का काम करेंगे तो आप जो है वो पैसिव इनकम निकाल सकोगे या नहीं, और क्या आपको कोई साइड में और काम भी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सिर्फ डाटा एंट्री का काम आपके लिए काफ़ी होगा। तो ये सब कुछ आपको आज की वीडियो में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कि डाटा एंट्री क्या है। बेसिक कॉन्सेप्ट हम सबका यही बना हुआ है कि जी टाइपिंग की जॉब है, या हमने एक्सेल पर जाकर एंट्रियाँ करनी होती हैं, कुछ चीज़ें जो है डाटा उधर पुट करना होता है, तो ये डाटा एंट्री की जॉब पहले हुआ करती थी, अब नहीं है। अब आपको प्रॉपर रिसर्च करनी पड़ती है, डाटा ढूंढना पड़ता है, डिफरेंट क्लाइंट्स की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं। कोई ये कह देता है कि इसमें जो है फूड की कंपनी जितनी भी हैं या रेस्टोरेंट जितने भी हैं, उन सब के नंबर्स हमें भेजो, डिफरेंट टाइप के काम जो है आपको मिल सकते हैं, तो आपको ये सारे काम करने पड़ते हैं, जिसमें आपको PDF टू वर्ड में लिखना पड़ता है, इमेजेस मिल जाती हैं, उनको आपने टाइप करना होता है, या आपको जो है वो इमेजेस में इनके कोई डाटा निकल मुख्तसर सा निकालना पड़ता है, उसमें बहुत सी ज़्यादा आपको हेल्प मिल जाती है, डिफरेंट वेबसाइट्स मिल जाती हैं कि जहाँ आप अपनी इमेज को क्लिक करते हो तो इमेज में जो भी टेक्स्ट होता है वो आपको लिखा लिखाया मिल जाता है, आप उसको जो है जस्ट कॉपी पेस्ट करना तो आपका काम फिनिश हो जाता है। तो डिफरेंट टाइप आपको जो है वो काम डिफरेंट टाइप का काम आपको मिल जाता है डाटा एंट्री में, सिर्फ ये नहीं कि आपने टाइपिंग करनी है, तो यही आपको रिसर्च भी करनी पड़ती है, डाटा ढूंढना पड़ता है, डिफरेंट साइट्स पर जाना पड़ता है, डिफरेंट क्लाइंट्स की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जी UK के इस सिटी का या इस जो है वो टाउन का जो है हमें डाटा निकाल के दो इसके लोगों का, तो वो आपको सारा कुछ जब वेबसाइट्स पर मिल जाता है, वहाँ से जाके आपने ढूंढ कर उनको देना होता है। और अब मैं अपने लैपटॉप की तरफ लेकर जाता हूँ आपको, वहाँ बताता हूँ कि आपने कहाँ से जो है क्लाइंट्स को ढूंढना है, और कहाँ से जो है उनका ऑर्डर कंप्लीट करना है, और कैसे जो है वो आपको वहाँ से पैसे मिलेंगे। तो यहाँ सबसे पहले आपको वेबसाइट जो है वो देखने को मिल जाती है TrueLancer.com, यहाँ जाकर आप काम कर सकते हैं। उसके बाद FreeLancer.pk, इस पर आप काम कर सकते हैं। Upwork.com, इस पर आप काम कर सकते हैं। PeoplePerHour.com, इस पर आप काम कर सकते हैं। और लास्ट में आपको सजेस्ट करूंगा कि Fiverr.com पर जाएं, लेकिन आपको ज्यादा प्रोजेक्ट और अच्छी जो है वो डाटा एंट्री की जॉब जो है TrueLancer आपको मिलेंगी या FreeLancer पर आपको जाके मिलेंगी। तो यहाँ मैं जो है वो TrueLancer की बात करता हूँ कि कैसे इस पर वर्क करना है, सेम एज इट इज जो है वो बाकी चार वेबसाइट्स हैं उन पर आपका काम होगा, ठीक है। तो यहाँ आपको टॉप पर यहाँ लॉगिन और साइन अप का बटन नजर आ जाता है, आपने इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ आपने अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिखना होता है, ईमेल लिखनी होती है अपनी, उसके बाद पासवर्ड आई एम नॉट अ रोबोट, और उसके बाद साइन अप के बटन पर क्लिक कर देना होता है। उसके बाद आपको मेल जाती है, आपकी जो भी अपनी जीमेल यहाँ दी होती है उस पर मेल जाती है, आपने उस मेल को चेक करना, तो इस पर क्लिक करके अपने अपना अकाउंट जो है एक्टिवेट कर लेना होता है। उसके बाद ये पूछेगा कि आप जो है वो आई वॉन्ट टू हायर फ्रीलांसर, और उसके बाद आई एम लुकिंग फॉर अ ऑनलाइन वर्क, आपने ऑनलाइन वर्क के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद अपनी प्रोफाइल जो है आपने कंप्लीट कर लेनी है, इस तरह जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ आपने अपना नाम लिखना है, उसके बाद आपने अपना प्रोफेशन लिखना है, क्या प्रोफेशन जो यहाँ करते हैं, यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर है। उसके बाद आपने फ्रीलांसिंग टाइप आपने इंडिविजुअल रखनी है, क्योंकि आप अकेले काम कर रहे हैं, कंपनी के साथ नहीं कर रहे। उसके बाद आपने एक्सपीरियंस जो अपने यहाँ लगा देना है, बिगिनर है, आप इंटरमीडिएट है या एडवांस लेवल है। उसके बाद अवेलेबिलिटी आपने लिख देनी है, अगर आप कोई काम नहीं कर रहे, सिर्फ आपने डाटा एंट्री का काम करना है, तो आप फुल टाइम लिख सकते हैं, पार्ट टाइम, जैसे आपको जरूरत हो। उसके बाद आपने सेल्फ इंट्रो लिखना है, ये आपको यूट्यूब या गूगल से मिल जाएगा, आप यहाँ जो है वो अपना इंट्रो लिख सकते हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर, आई कैन वर्क फॉर द बेस्ट एक्सपीरियंस, यानी कि जिस तरह भी आप इंट्रो अपना अच्छा सा जो है यहाँ लिखेंगे। उसके बाद आपने अपनी स्किल्स यहाँ लिख देनी कि आप किस किस प्लेटफॉर्म पर काम कर सकते हैं, एक्सेल पर काम कर सकते हैं, PDF में काम कर सकते हैं,
और किस किस में आप काम कर सकते हैं। उसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ सही से सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपने स्काइप नेम, मोबाइल नंबर अपडेट कर लेना। प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद आपने यहाँ फाइंड जॉब पे जाना है और ब्राउज जॉब्स के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ आपको बहुत सारी जॉब जो है देखने को मिल जाएंगे। आपने क्या करना है, यहाँ सर्च बॉक्स में जाकर डाटा एंट्री जॉब जो है लिख देना है और सर्च कर लेना है यहाँ से। तो यहाँ आपको बहुत सी जॉब आ जाएंगी। यहाँ देखें, जैसे कि मैंने बताया था कि डाटा एंट्री प्लस ईमेल एक्सचेंजेस साइट, यानी कि आपको जो है वो डाटा एंट्री की के लिए जो है वो ईमेल्स वगैरह भी ढूंढनी पड़ेंगी, लोगों को जो है वो ईमेल्स भी देनी पड़ेंगी। उसके बाद डाटा एंट्री प्लस डिस्क्रिप्शन आपको लिख के देनी पड़ेगी। यहाँ से जो है वो आप इनको जो है वो यहाँ से बहुत ज्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ देखें, इनकी जो है वो प्राइसेस भी यहाँ सामने लिखे होते हैं, उसके नीचे जो है वो यहाँ कि कितने प्रपोजल जो है इनको गए हुए हैं। आपने कोशिश करनी है कि जल्दी से जल्दी जो अपना प्रपोजल इनको भेजें, ठीक है। तो यहाँ आपने इसके सामने सेंड प्रपोजल का बटन है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ उनकी जो है सारी डिटेल पढ़ लेनी है कि वो क्या क्या चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद अपने उन्होंने वर्किंग आवर्स भी बताया है कि आप जो है वो 10 AM से 17 PM तक जो है वो काम कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट्स उन्होंने यहाँ लिखी है, शुड हैव कमांड ओवर इंग्लिश एंड राइट 1 to 2 lines डिस्क्रिप्शन ऑन डेटा द डेटा एंटर द डेटा। उसके बाद पे रेट लिखा हुआ है कि जी 2 rupees पर डाटा एंट्री, ये सारी चीजें लिखी। उसके बाद आपने अपना प्रपोजल जो है यहाँ से सेंड कर देना है। इसी तरह आपने फ्रीलांसर पर, अपवर्क पर जाना है, पीपल पर आवर पर जाना है, फेवर पर जाना है, अपनी जो है प्रोफाइल्स बनाकर अपना काम कर देना है। देखें, अब इन साइट पर ये नहीं होगा कि आपने फर्स्ट डे जाना है वहां पर फाइल बनानी है तो आपको फर्स्ट डे ही ऑर्डर मिल जाएगा। आपने खुद रीच आउट करना है। ये नहीं है कि आपने सिर्फ एक वेबसाइट पर अपना काम करना है, प्रोफाइल बनानी है और उसी पे वेट करते रहना है कि क्लाइंट आएगा, ऑर्डर आएगा और हमारी अर्निंग स्टार्ट होगी। आपको ये 5 साइट्स बताई, अपने 5 साइट्स पर अपनी प्रोफाइल बनानी है। एक दिन अच्छी तरह आपने लगाना है, अपनी प्रोफाइल बनानी है, डिस्क्रिप्शन लिखनी है, इंट्रो लिखना है, अबाउट लिखना है और अपनी प्रोफाइल्स को वेरीफाई करना है और जितने कस्टमर आपको नजर आते हैं सबको प्रपोजल भेजने हैं। आपने डेली की रूटीन बनानी है कि डेली जो है ना वो आपने 5 कम क्लाइंट्स को ढूंढना है, उनको प्रपोजल भेजने हैं, ठीक है। आपने ये काम करना है और ऐसा ना हो कि आपने एक प्रपोजल लिखा है तो उसी को कॉपी पेस्ट करते जा रहे हैं, आपने थोड़ी बहुत उसमें चेंजेस करके जो है ना वो फिर उनको अपने प्रपोजल जो है वो भेजने हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं कि रियल वेज कौन से और फेक वेज कौन से है। OLX पर आप जाते हो, अगर आप पाकिस्तान से OLX पर जाते हो तो वहां आपको डेटा एंट्री की जॉब सर्च करते हो तो बहुत सारी जॉब्स देखने को मिल जाती हैं, वो सारी की सारी फेक हैं, ऑलमोस्ट सारी फेक होती हैं। कोई एक दो उसमें बचेंगी कि जो रियल होंगी और वो भी आपको बोलेंगे कि भाई हमें जो है वो इतने पैसे भेजो, हम फिर जो है वो आपको डाटा एंट्री का काम दिया करेंगे, फिर जो है वो आपको डाटा एंट्री से जो है वो हेल्प मिलेगी, ठीक है। और जितनी भी इस तरह की और साइट्स हैं जो पाकिस्तानी साइट्स हैं, इन 5 के अलावा जो भी इस तरह पाकिस्तानी साइट्स हैं जो जो कंट्री जो डाटा एंट्री का जॉब करवाते हैं और साथ में कहते हैं कि हमें डिपॉजिट करवाएं फिर जो है वो आपको हम डाटा एंट्री का काम देंगे, तो वो भी फेक है। आपने उन पर नहीं जाना, कोई काम उन पर नहीं करना, अपना टाइम आप वेस्ट करोगे। उन पर जाएं जो कि ऑथेंटिक हो, जो कि आप पहले भी काम कर रही हूँ, लोग उससे भी पहले विदड्रॉ ले चुके हों, फिर उन पर जाना है, उन पर जाकर आपने काम करना है। और अगर फ्यूचर की बात करूँ कि इसका क्या फ्यूचर है, फ्यूचर में आपको क्या डाटा एंट्री का काम करना चाहिए, इसको करियर बनाकर चलना चाहिए या नहीं चाहिए, तो भाई अभी फ्यूचर इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास कोई काम नहीं है, आप वेले हैं, तो फिर आप डाटा एंट्री का काम करो, या आप पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हो तो डाटा एंट्री को पार्ट टाइम आप लेकर चलो। उससे ये फ़ायदा होगा आपको कि आपको स्किल का पता चल जाएगा, आपको ये पता चल जाएगा कि इन 5 साइट्स में कैसे अपनी जगह बनानी है। जब इसमें आप अपनी जगह बना लोगे एज अ डाटा एंट्री ऑपरेटर, तो फिर आप अपनी स्किल्स को बिल्ड कर सकते हो। आप ग्राफिक डिजाइनिंग सीख सकते हो, आप वीडियो एडिटिंग सीख सकते हो, और भी बहुत सी स्किल्स है कि जो कि आप सीख कर यहाँ अपना काम चला सकते हो। जब आपकी प्रोफाइल अच्छी हो जाएगी तो आप साथ में और भी स्किल्स ऐड कर सकते हो। एक प्रोफाइल आपकी अच्छी बन जाती है, एक गिग आपकी अच्छी बन जाती है, वो हिट कर जाती है, तो आपको दूसरी गिग्स बनाने में या दूसरी प्रोफाइल बनाने में टाइम नहीं लगेगा, उसको हिट करवाने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आपका ऑलरेडी एक्सपीरियंस इसमें हो चुका होगा। और इसको करियर बनाने का इसलिए नहीं मैं कह रहा, क्योंकि इसमें जो है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लोग आ चुके हैं, इसमें जो है कंपटीशन जो है बहुत ज़्यादा है, क्योंकि क्लाइंट्स कम है और काम करके देने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं, यानी कि मजदूर ज़्यादा है और मालिक कम है, यानी कि काम करवाने वाले कम है और करने वाले बहुत ज़्यादा है। इसलिए आपको जो है उसको कुछ महीनों तक जो है आप इसको लेकर चलें, कुछ 2-3 महीने बाद अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें, अपनी स्किल्स और आप सीखें, कोई और नई चीज़ सीखें और नया काम स्टार्ट करें। और लास्ट में आपको बताता चलूँ कि आप इसमें कितनी अर्निंग कर सकते हो, महीना कितना कमा सकते हो। तो आप महीना जो है वो तकरीबन 70 से लेकर $120 तक जो है महीना कमा सकते हैं, जो कि 17 से 20-25 हज़ार के अराउंड बनते हैं। इतनी अर्निंग आपकी जो है इससे हो सकती है अगर आपको क्लाइंट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। और एक बार अगर क्लाइंट आपसे हैप्पी हो जाता है तो क्लाइंट जो है वो रेगुलर आपके साथ काम करने के लिए शुरू भी हो जाता है। आपने कोशिश करनी है कि जो भी क्लाइंट है, बेशक वो फर्स्ट टाइम ही काम करवाए, आपने उसको अच्छा काम करके देना है। जब अच्छा काम किया होगा तो दोबारा भी आपके पास डायरेक्ट आपकी प्रोफाइल पर आएगा और आपको काम देगा। और कुछ ऐसे भी वेज बन जाते हैं कि आपको जो क्लाइंट पर्सनली भी रीच आउट कर लेते हैं और आप पर्सनली जो उनको काम करने के देना स्टार्ट कर देते हो।
तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। डाटा एंट्री के रिलेवेंट आपके जितने भी डाउट्स थे वो सारे क्लियर हो चुके होंगे और आपको हेल्प भी मिली होगी इस वीडियो से, और आपको दूसरी वीडियोस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि डाटा एंट्री क्या है मैंने सारा कुछ आपको आज की वीडियो में क्लियर कर दिया है। तो मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जब बाइक उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन दबा देना ताकि आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो और आप इस तरह की वीडियो से फायदा हासिल कर सकूँ। चलता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।